क्लास 11 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी का हम टॉपिक कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, इसके बारे में जानेंगे। रिलेटिव मींस रिलेट करना एक को दूसरे से, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड, मूविंग डिफरेंट वेलोसिटी, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इज सिंपली वी ए माइनस वी बी। क्लियर। तो ये हमारे पास होगा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव पोजिशन और रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो सभी इसी फॉर्म में हमारे पास लिखे जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो एक्स ए माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाई में जो टाइम यहाँ पर लगा टी माइनस जीरो, तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल से ज्यादा इजी वे में समझा जा सकता है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग बात है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के हम केस करते हैं। नंबर वन, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। नंबर वन है, टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, वी ए इज इक्वल टू वी बी। क्लियर। पोजिशन डिफरेंट है, हो सकता है सेम भी हो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है और सेम फिनिशिंग पॉइंट है। हम सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम फिनिशिंग पॉइंट, या फिर ऐसा बोले कोई हमसे दो कदम आगे चल रहा है और लास्ट टाइम फिनिशिंग पॉइंट पे हमसे दो कदम आगे था, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे दोनों की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, इन द सेम डायरेक्शन स्पीड सेम है हमारे पास, तो वहां पर रिलेटिव बोला जाए। कितने का रिलेटिव है, तो रिलेटिव उनके बीच में क्या होगा, जीरो। तो इसको यहां से मैं ग्राफ की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टाइम है, दिस इज पोजिशन, पोजिशन टाइम ग्राफ है हमारे पास। तो पोजिशन एक ऑब्जेक्ट की हमारे पास ये थी दिस पोजिशन, और सेकेंड ऑब्जेक्ट की पोजिशन ये थी हमारे पास। क्लियर। यहाँ से इसने मूव किया तो बी पॉइंट ने भी साथ साथ मूव किया हमारे पास। यहाँ पे अगर देखें तो सेम दोनों की वेलोसिटी देखें तो पोजिशन टाइम का थीटा होता है, तो थीटा दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या आएगी, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या, जीरो। दोनों सेम वेलोसिटी से हमारे पास मूव कर रहे हैं, वी माइनस वी जीरो। सेकेंड केस हमारे पास ये, अगर ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है तो ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये हमारे पास पोजिशन है, ये हमारे पास टाइम है। ए की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो ए की जो स्पीड हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ से मैं ए को लिख रहा हूँ, तो स्लोप उसका कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई बी है, ये ए पोजिशन थी, ये बी के लिए हमने यूज किया, तो बी की जो पोजिशन होगी इस टाइप से होगी। तो बी का जो थीटा अगर आप देख रहे हो, तो ये थीटा स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस थीटा। थीटा जो ए का है वो थीटा बी से बड़ा है। स्लोप जिसका ज़्यादा होता है पोजिशन टाइम में, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है हमसे। ठीक है, स्पीड ए की हमसे बी से ज्यादा है, तो वी ए बी जो आएगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, अब थर्ड केस करते हैं। अगर ऐसा हो वी ए जो है इसकी स्पीड हमारे पास वी बी से लेस है, तो यहां पर जो पोजिशन टाइम आएगा, अगर मैं बात करूं तो ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। ए के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया, बी के लिए थोड़ा इस टाइप से बन जाएगा। ए का जो थीटा देखें और बी का थीटा देखें, तो बी का थीटा बड़ा तो बी की वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहां से अगर वी ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, वी ए बी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ थे हमारे पास इसके बारे में समझने के। अब इसको क्वेश्चन से न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे और क्लियर करेंगे इसको हर एक पॉइंट को। तो देखें से बस, तो रिलेटिव वेलोसिटी में ए ऑब्जेक्ट की निकालें, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, इट इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर, बी इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड ज्यादा है, ए की या बी की, तो बी की स्पीड ज्यादा है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है, नंबर वन वी ए बी, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, नंबर टू वी बी ए, नंबर थ्री वी ए जी, जी मीन्स ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड, वी जी बी। तो ये चार पैरामीटर हमको फाइंड आउट करने, यहां से इसका हर एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखें से आप बस,
वी ए बी मीन्स वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना 30 माइनस 50 कितना होगा माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव ई आई मीन्स क्या हुआ, इसका ए जो है पीछे चल रहा है कितना 20, वी बी माइनस वी, तो 50 माइनस 30 हमारे पास क्या आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव में आया मीन्स बी जो है आगे चल रहा है ए से कितना 20 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस दोनों क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है इक्वल। वी ए जी ए की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिफरेंस पॉइंट को हम जीरो मानते हैं ग्राउंड की स्पीड, तो ए की जो स्पीड होगी वही सेम हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ग्राउंड की स्पीड क्या है जीरो और बी की स्पीड कितनी 50, तो आंसर आएगा माइनस 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो था इसके बारे में कुछ टॉपिक जो हमने डिस्कस करने थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये केस नंबर वन था, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन थीटा जीरो वहां पर हो, तो वो केस था हमारे पास, केस नंबर वन। इसको लिख सकते हैं टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन थीटा जीरो। केस नंबर टू हमारे पास है इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, केस नंबर टू, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या होगा। तो वी ए हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर से हमारे पास जा रहा है ए इस डायरेक्शन में, ये कोई बी ऑब्जेक्ट है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वी ए बी अगर देखें हम, वी ए बी हमारे पास क्या आएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना 20, वी बी कितना 20, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव साइन आप यहाँ पर यूज करोगे, तो इनकी हमारे पास रिलेटिव आएगी कितनी स्पीड आएगी, कितनी वेलोसिटी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। वी ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा, शायद आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दोनों ऐड होंगे हमारे पास किस केस में, थीटा अगर 180 है तब, थीटा 180 है तो वी ए प्लस वी बी, वी ए बी हम अगर निकाल रहे हैं तो, अगर थीटा जीरो है तो वी ए बी जो होगा क्या होगा वी ए माइनस वी बी। इस टाइप से सारे कंसेप्ट हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी के क्लियर हो जाएंगे।